गुल्ली बुल्ली आज बहुत दिनों बाद सोन को लेकर अपने गांव जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली के गांव जाने का रास्ता लगभग 24 घंटे का है। गांव जाने में इन लोगों को अलग अलग स्टेशन पे 3-4 ट्रेन चेंज करने होंगे, क्योंकि कोई भी ट्रेन गुल्ली बुल्ली के गांव डायरेक्ट नहीं जाती है। ट्रेन के अंदर बुल्ली सोन से कहता है, अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है, तुम नहाकर नहीं आयो क्या सोन? बुल्ली, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो रोज नहाता हूँ। हाँ वो अलग बात है कि ठंड के दिन में मैं सिर्फ 2-3 बार ही नहाता हूँ। गुल्ली कहता है, सोन तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम एक दिन में 2-3 बार नहा लो। अरे पागल, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरे महीने की बात कर रहा हूँ, मैं तो एक महीने में 2-3 बार नहाता हूँ। ट्रेन के अंदर सोन कहता है, वैसे बुल्ली मुझे लगता है ये बदबू उस आदमी से आ रही है। अरे अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो मेरे बारे में, फेंक दूंगा तुम तीनों को ट्रेन से बाहर, लगता है तुम लोग मुझे पहचानते नहीं हो। हाँ हाँ नहीं पहचानते हैं, कौन हो तुम? ये आदमी कहता है, चलो निकालो अपना टिकट, मैं टीटी हूँ। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और सोन बहुत डर जाते हैं। गुल्ली, मैंने कहा था ना कि टिकट ले लो, लेकिन तुमने थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में फंसा दिया ना हमें भी, अब हम तीनों जेल जाएंगे। अरे तुम लोग डर क्यों रहे हो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, टिकट तो मेरे पास भी नहीं है और मैं कोई टीटी भी नहीं हूँ। ये कहकर ये आदमी गुल्ली बुल्ली और सोन पे हंसने लगता है। सोन कहता है, मैं तो डर ही गया था, लेकिन गुल्ली तुम अगले स्टेशन पे हमारा टिकट ले लेना। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक ट्रेन रुक जाती है। गुल्ली बुल्ली, कोई स्टेशन तो आया ही नहीं, तो ये ट्रेन यहाँ क्यों रुक गई? गुल्ली कहता है, ये सब बातें छोड़ो ना सोन, वहाँ देखो एक टाइगर है, लगता है ड्राइवर ने उस टाइगर को देखने के लिए ही ट्रेन को रोका है। अरे ये क्या, ये टाइगर तो ट्रेन की ओर जा रहा है, कहीं ये गुल्ली बुल्ली और सोन पे हमला ना कर दे। तभी ट्रेन शुरू हो जाती है। सोन कहता है, अच्छा हुआ ड्राइवर ने ट्रेन को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे उस टाइगर को देखकर बहुत डर लग रहा था। यात्रियों कृपया ध्यान दें, छोटा नगर जाने वाली ट्रेन पनौतीपुर स्टेशन आ चुकी है। कुछ ही देर में एक स्टेशन आता है और गुल्ली बुल्ली की ट्रेन इस स्टेशन पर रुक जाती है। मतलब ये गुल्ली बुल्ली की ट्रेन नहीं है, बस ये लोग इसमें बैठे हुए हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन को इस स्टेशन पे उतरना है, क्योंकि अब ये लोग यहाँ से दूसरे ट्रेन में जाने वाले हैं। बुल्ली कहता है, इससे पहले कि ट्रेन शुरू हो जाए चलो जल्दी हम लोग ट्रेन से उतर जाते हैं, देख लो कोई सामान रह तो नहीं गया। सोन कहता है, पागल हो क्या बुल्ली, हम लोग कोई सामान लाए ही नहीं तो क्यों छूटेगा यहाँ। वैसे एक बात बताओ गुल्ली बुल्ली, तुम लोग अपने गाँव जा रहे हो तो वहाँ 3-4 दिन तो रहोगे ही, और अगर रहोगे तो वहाँ एक ना एक दिन नहाओगे भी, लेकिन पहनोगे क्या, तुम लोग तो अपने साथ एक भी कपड़े नहीं लाए हो। चाय पीना है आप लोगों को, ये लो पी लो, सिर्फ 10 रुपए गिलास है। सोन गुस्से में कहता है, अरे आंटी ऐसे कौन चाय बेचता है, आपने तो हमें डरा ही दिया, चलिए जाइए यहाँ से, हमें नहीं पीना चाय, चलो गुल्ली बुल्ली ट्रेन से उतर जाते हैं। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन ट्रेन से उतर जाते हैं और चाय की दुकान के पास चले जाते हैं, लेकिन ये लोग तो चाय नहीं पीने वाले थे। गुल्ली चाय वाले से कहता है, अंकल ये बताइए चूहापुर जाने वाली ट्रेन कब आने वाली है, मतलब कितना टाइम है उसे आने में। चाय वाला कहता है, मुझे नहीं पता, मैं ये सब जानकारी नहीं रखता हूँ, जो भी मेरे दुकान पे चाय पीने आता है बस मैं उससे मतलब रखता हूँ, अगर तुम लोगों को चाय पीना है तो बताओ, नहीं तो चुपचाप निकल लो यहाँ से। अरे ये चाय वाला तो पागल है, देखो कैसे बात कर रहा है, चलो गुल्ली बुल्ली टेबल पर बैठकर उस ट्रेन के आने का वेट करते हैं। जैसे ही सोन इतना कहता है तभी ये ट्रेन यहाँ से जाने लगती है। यात्रियों कृपया ध्यान दें, चूहापुर जाने वाली ट्रेन पनौतीपुर स्टेशन पे आ रही है। बुल्ली कहता है, चलो ट्रेन भी आ ही गई, फटाफट ट्रेन में बैठ जाओ, चूहापुर पहुंचकर हम लोग होटल में खाना खाएंगे। अरे ये क्या, वो ट्रेन तो यहाँ रुकी ही नहीं, अब हम लोग आगे कैसे जाएंगे गुल्ली बुल्ली? यात्रियों कृपया ध्यान दें, चूहापुर जाने वाली ट्रेन के ब्रेक में कुछ गड़बड़ी के कारण वो ट्रेन पनौतीपुर स्टेशन पे नहीं रुक पाई, लेकिन अभी वो 1 किलोमीटर आगे जाकर रुक चुकी है और अभी उस ट्रेन के ब्रेक को ठीक किया जा रहा है, तो जिसे भी चूहापुर जाना है वो 1 किलोमीटर आगे जाकर उस ट्रेन में बैठ सकता है।
आह क्या है यहाँ? अरे ये कीड़ा, इस कीड़े ने मुझे काट लिया क्योंकि मैंने गलती से इसके ऊपर अपना हाथ रख दिया, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूँ? सोन कहता है, तुमने अपना हाथ उस कीड़े पे रख दिया जिसके कारण वो कीड़ा मर गया और तुम्हें अपने दर्द की पड़ी है। सच में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं बेहोश होने वाला हूँ। ये कहकर ये आदमी दौड़ते हुए कहीं जाने लगता है। अरे वो कहाँ जा रहा है? लगता है उसे भी चूहापुर जाना है, इसलिए वो उस ट्रेन में बैठने जा रहा है। चलो हम भी चलते हैं। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन भी उस ट्रेन में बैठने के लिए जाने लगते हैं। चलते चलते सोन कहता है, वैसे गुल्ली बुल्ली तुम लोगों ने बताया नहीं कि तुम लोग अपने कपड़े क्यों नहीं लाए हो। वो क्या है ना सोन, हम लोग अपने नए नए कपड़े अपने गांव में ही खरीदने वाले हैं। वैसे तुम भी हमारे गांव में अपने कपड़े खरीद सकते हो, लेकिन पैसे तुम्हें ही देने होंगे, हम लोग नहीं देने वाले तुम्हारे कपड़ों के पैसे। सोन कहता है, नहीं नहीं गुल्ली बुल्ली, मैं 4-5 दिन ऐसे ही रह लूंगा बिना नहाए। गुल्ली बुल्ली और सोन बातें करते हुए जा ही रहे थे कि तभी अचानक ये लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर इन लोगों की हालत खराब हो जाती है। अरे ये तो वही है जिसे कीड़े ने काटा था और ये ट्रेन में बैठने के लिए भागा था, क्या हो रहा है उसे, जल्दी चलो। ये कहकर ये लोग आगे जाने लगते हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है कि अभी ये लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। क्या हुआ इसे? तुम तीनों साइड हटो, मैं देखता हूँ। गुल्ली बुल्ली और सोन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी गुल्ली कहता है, ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो उसे, क्या हुआ है तुम्हें? अरे ये क्या, ये आदमी भी इसके जैसा बन चुका है, इसका मतलब कीड़े के काटने से ये एक जोम्बी बन चुका है और इसने उस आदमी को काटकर उसे भी जोम्बी बना दिया। जल्दी भागो यहाँ से, इससे पहले कि ये हमें भी काट ले और हम भी जोम्बी बन जाए। चलो जल्दी ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन दौड़ते हुए ट्रेन में बैठने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली और सोन को ये नहीं पता है कि इन लोगों को यहाँ से भागते हुए किसी ने देख लिया है और कुछ ही देर में ये आदमी भी पूरी तरह से जोम्बी बन जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। और फिर ये दोनों जोम्बीज गुल्ली बुल्ली और सोन को देखकर उनकी तरफ जाने लगते हैं। पता नहीं अब गुल्ली बुल्ली और सोन का क्या होगा, लगता है ये लोग भी जोम्बीज बन जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? जो भी होगा वो बहुत खतरनाक होगा, जो हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में मुझे टैग करते हुए लगाओ, मैं आपकी स्टोरीज को खुद की स्टोरीज में लगाऊंगा। तो ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम अगली वीडियो में आए तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर अपना नाम कमेंट कर दो।